मेवात जिले में नगीना होडल मार्ग गड्ढों में तब्दील। कई वर्षों से राहगीर परेशान। सरकार बदली लेकिन नहीं बदले इस मार्ग के हालात। बता दें कि नगीना के बड़कली चौक पिनगवा पुनहाना से होते हुए होडल तक लगभग 40 किलोमीटर लंबी सड़क जगह जगह से टूटकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क का निर्माण कई साल पहले पीडब्ल्यूडी वाहक द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसके बाद समय पर मरम्मत कार्य भी नहीं करवाया गया। इस कारण सड़क टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस खस्ताहाल सड़क की ओर कोई सुध नहीं ले रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से वाहन चालक व राहगीरों को गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग टूटने से जगह जगह पर पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुनाना क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले लगभग ज्यादातर विभाग के अधिकारी होडल में रहते हैं, जिनको पुनहाना से होडल और होडल से पुनहाना तक पहुंचने में क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से काफी समय की बर्बादी हो जाती है और देरी से पहुंचने पर कर्मचारी और अपनी ड्यूटी पर लौटते हैं। दूसरी तरफ पुनाना क्षेत्र से होडल पलवल कॉलेज को जाने वाले बच्चों को टूटी हुई सड़क के कारण वाहनों से आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क का पुनः निर्माण हो तो राहगीरों को आवाजाही में आसानी हो तथा शीघ्र ही शीघ्र पुनः इसका निर्माण कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता रसीद एडवोकेट का कहना है कि यदि ये मार्ग नहीं मेवात के गांव देहातों सहित मुख्य मार्गों से टूटा हुआ है, लेकिन इन मार्गों की तरफ ना तो सरकार का कोई ध्यान है और ना ही स्थानीय नेताओं का, जिससे आम लोगों में सरकार विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि नगीना होडल मार्ग पिछले कई वर्षों से खस्ता हालत में है। कई बार शिकायत की गई लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली, जबकि इस क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से गुजरने से काफी परेशानी होती है। लोगों ने कहा है कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, आने वाले दिनों में टूटी हुई सड़कों पर हादसों में इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी इतना टोटल पड़ेगा 3 साल हो गया, पानी और भरो पड़ो कर दी तो सुनवाई ना करे परेशानी की मजबूत होती है तो आने जाने में इतनी परेशानी होती है। कई जगह तो ऑटो के सवारी के जब निकालने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखते हैं और कुछ दिनों से फिर इधर के घूम करते हैं, कौन से मतलब परेशानी की तो पूछो मत, बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशानी रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। क्या मांग
सरकार से मांग करना चाहें जी, रोड बन जावे हमारी भी और पब्लिक की भी सबकी सुविधा हो जावे रोड अगर बन जावे। क्या नाम है जी? मेरा नाम यूसुफ बी गोस्वामी है। नगीना होटल मार्ग टूटा हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों ने शिकायत की है, क्या मांग? सर इसी रोड से नहीं है, यहाँ तो मेवात के अंदर दर्जन रोड है सर, और ये हमारे यहाँ मेवात का मेन रोड है जो होटल से मेवात के हॉस्पिटल और कई अधिकारी ऑफिसों को जोड़ता है। यहाँ से अधिकारी भी ड्यूटी से लेट हो जाते हैं, इस पर आते हैं, पूरे गड्ढे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, यहाँ के कई दफा कल मैंने तहसीलदार की गाड़ी को भी वहां मौके पर देखा और SDM साहब गाड़ी को भी वहां मौके पर देखा, लेकिन सारे अधिकारी दखल अंदाज कर रहे हैं, उसको देख के सराहते हैं। लोगों ने एप्लीकेशनों पे लोग खड़े होकर 10-10, 20-20 लोग खड़े होकर मार्केटिंग को, वो लोगों ने उनमें शिकायतें दी, सेम विंडोज दी हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कब से मार्ग टूटा हुआ है? लगभग इसको 2-2.5 साल हो गए। कब से मार्ग टूटा हुआ है? लगभग इसको 8 साल हो गए। इसकी कोई बीच में कोई मरम्मत नहीं करी गई, किसी भी तरीका से किसी नाले का अगर पानी इसमें उझल के आ रहा तो उस नाले को भी नाले में टच नहीं करा गया, क्योंकि तो वहां से जो यहाँ के जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो उनसे कमीशन और रिश्वत लेते हैं, जैसे टाल है, बड़े बड़े दुकान है, बड़े बड़े वर्कशॉप है, उनसे मंत्र लेके वहीं से नाले को रुकवा देते हैं, कहीं रोडियां खलवा देते हैं, कहीं मिट्टियां खलवा देते हैं, तो इन्हें इस तरीका से रास्ते भी मस्जिदों के लिए लोग नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे रास्ते खराब कर रखे हैं। किस तरह से परेशानी हो रही है राहगीरों को? सर राहगीर अपने घर से तैयार होकर आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको ये पता नहीं है कि रास्ते बीच में कहाँ पर बाइक रिपट के गिर सकती है और कहाँ पर कपड़े खराब हो जाए किसी के, तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। बच्चे को निकलना भी भारी, स्कूल के बच्चे कई दफा जब रोड क्रॉस करते हैं तो उनको काफी घूम फिर के जाना पड़ता है। क्या मांग सरकार से करना चाहिए? मैं तो सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जो ऐसे अधिकारी जो यहाँ तैनात थे जिन्होंने दखल अंदाज कराया दरखास्तों को, सभी को सारे पोर्टलों में से, चाहे आयोगों से, सबसे लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार बदली है, रोड की हालात नहीं बदले, तो इसी तरीका से जो ऑटो में जो दूर से लोग आते हैं उनको कई बार ऑटो वाले भी दूर उतार देते हैं, क्योंकि वहां पर घुस नहीं सकता ऑटो, पानी के अंदर नहीं घुस सकता, कई बार घुटने घुटने पानी हो जाता है वहां पे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कहीं कहीं सरकार की नाकामयाबी रही है,